सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को, मेरा नाम विक्रम है और आज मैं बात करना चाहूँगा ऑनलाइन जॉब्स के बारे में कि ऑनलाइन जॉब्स होती हैं क्या नहीं। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि यार घर पर बैठकर वो पैसा कमा सकते हैं और उन्हें किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के लिए छोटी मोटी डेटा एंट्री कर सकते हैं, वो भी ये नहीं कह रहा कि यार कोई बाहर के बड़े बड़े एरिया हैं जैसे दिल्ली मुंबई, वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अभी टोटल सिर्फ दो जगह की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी ऑनलाइन जॉब्स का स्कोप है और यहाँ पर भी लोग घर में बैठकर पैसा कमा सकते हैं यदि उन्हें इस तरह का कोई काम आता है तो। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी को डिजिटल मार्केटिंग आती है, किसी को डेटा एंट्री आती है, या किसी को अच्छा फोटोशॉप आता है, या किसी को एडिटिंग आती है, या इस तरह की जॉब यदि वो कर सकते हैं, इस तरह का काम वो कर सकते हैं तो उन्हें ऑनलाइन जॉब मिलती है। लेकिन कई बार होता ही है कि लोगों को पता तो होता है कि ऑनलाइन जॉब्स होती हैं लेकिन ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन जॉब के लिए काम कैसे सीखना है, ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती है। कई बार वो थॉट्स की टक्कर में फंस जाते हैं। लोग या कंपनी उनके पास आती है, उन्हें कहती है कि आप इतना पैसा हमें दो और आपको हम जॉब प्रोवाइड करवाएंगे, आप घर बैठे पैसा कमाओगे। कई सारे ऐप्स होते हैं जो उनसे पैसा लेते हैं और फिर बाद में गायब हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनके साथ हो रही होती है। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन जॉब्स होती हैं तो अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करना है तो उनमें काम क्या होता है और वो सारी चीज़ें उन्हें सीखना होता है। अब कई बार मैंने लड़के लड़कियों को मैंने देखा है कि वो मस्ती कर रहे होते हैं कॉलेज के टाइम में, ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई अच्छा स्किल सीखते हैं, तो इस तरह से उनको घर बैठे जॉब कौन देगा, तो बेवकूफ़ी होगा जो उनको जॉब देगा। तो वही चीज़ें मैं कहता हूँ अक्सर स्टूडेंट से नहीं हर इंसान से कि उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है, चाहे वो बुक्स पढ़ रहे हो, चाहे वो कंप्यूटर सीख रहे हो, चाहे वो डांसिंग म्यूजिक या जो भी हॉबी है, जो भी आपकी कला है, जो ऊपर वाले ने आपको दिया है उसे आप इम्प्रूव करिए, उसके बारे में पढ़ाई करिए, तो वो चीज़ आपके काम आएगी और आगे जाकर आपके कैरियर का बेस बनेगी। तो आप मस्ती में और बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करते हुए स्पेशली सोशल मीडिया में, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप इसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ओके, थैंक यू।